हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वरांजलि में आपका वेलकम है। सो गाइस, कैसे हो आप सब? तो जैसे कि मैंने आपको ब्लॉग में कहा था कि मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगी शॉपिंग हॉल, जो मैं कल चांदनी चौक गई थी ना, तो वहां से थोड़ी बहुत शॉपिंग करके लेके आई थी और वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्या क्या लेके आई थी। चांदनी चौक गई थी और उसके बाद थोड़ी देर के लिए हम लोग सदर भी गए थे। सदर से थोड़ा बहुत ही सामान लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था। और अगर फैन की थोड़ी सी नॉइस आ रही है तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिए, क्योंकि फ़ैन मैं ऑफ नहीं कर सकती हूँ, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। मैंने ऑफ करके देख लिया था बट मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं ऑन कर लेती हूँ, तो सॉरी। और मैं शॉपिंग करके लेके आई हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अच्छे अच्छे वीडियो लेके आती रहती हूँ, और अब तो बहुत सारे फेस्टिवल भी आने वाले हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ में। और मेरे पास कमेंट आया था कि मैं कौन सा मार्केट गई थी, तो दिल्ली का मशहूर मार्केट है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, चांदनी चौक, जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा। जिन्होंने नहीं सुना है मैं आपको बता देती हूँ, लाल किला के जस्ट पास में चांदनी चौक पड़ता है और चांदनी चौक के जस्ट पास में ही सदर बाज़ार है, जहाँ सारी चीज़ें बहुत ही चीप प्राइस में मिलती हैं। और वो होलसेल मार्केट है लेकिन आपको रिटेल में भी मिल जाता है। तो मैं कुछ चीज़ें लेके आई हूँ वहाँ से। सबसे पहले मैं आपको बेडशीट दिखाती हूँ। मेरे ना सारी बेडशीट ना ख़त्म हो गई थी, एक भी बची नहीं थी, मतलब पुरानी पड़ गई थी, तो मैंने उनको रिजेक्ट कर दिया है। मैं दो बेडशीट लेके आई हूँ फिलहाल। तो ये है, कौन सी है मैं आपको बताती हूँ, पीहू होम कलेक्शन है ये इसकी ब्रांड जो, और ये पहली बेडशीट है, ये कुछ इस कलर में है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में मुझे मिली है, ये मैं फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ इसलिए आपको उल्टा पुल्टा दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पीहू होम कलेक्शन, ये देखिए, ठीक है। और ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में है, कलर बहुत ही सुंदर लगा था मुझे इसका, ब्लू कलर है, ब्लू एंड क्रीम कलर के साइड में बोल सकते हो आप, इस तरह से लाइट भी है और डार्क भी है, तो डबल साइड है इसमें और फ्लावर बने हुए हैं। तो जब मैं बेड पे डालूंगी तब आपको जरूर दिखाऊंगी। ये इसके फ्लो कवर हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये कलर है इसका, इस तरह से बटरफ्लाई भी बना हुआ है, ये देखिए। तो एक ये वाली बेडशीट लेके आई हूँ मैं, बहुत ही सुंदर लगी मुझे ये वाली बेडशीट का कलर अच्छा लगा। अब यूज़ करके देखेंगे कि इसका फैब्रिक कैसा निकलता है। मैंने पहली बार ली है चांदनी चौक से, और ये बेडशीट हमने चांदनी चौक से ली थी नई सड़क से। नई सड़क मतलब यहाँ पे सारी साड़ियाँ ही साड़ियाँ मिलती हैं, लहंगे मिलते हैं, मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे। एंड सेकंड बेडशीट जो है वो, इसका फ़ोटो अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ पूरी तरह से, ये इस तरह से है, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है ना पीछे फ़ोटो, ये पूरा बेडशीट इस तरह से दिया है। और जब मैं बेड पे डालूंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और सेकंड बेडशीट जो है वो ये सेम कंपनी की है, ये है, ये आप फोटो देख सकते हो ना, इस तरह का है ये। और मेरा हेयर स्टाइल कैसा लगा आपको, थोड़ा सा चेंज किया है मैंने, तो ये इस तरह से दिखती है बेडशीट। और इसका कलर जो है ना बहुत सुंदर है, ये मुझे इसका कलर उससे भी ज़्यादा सुंदर लगा, लेकिन जब बेड पे जाएगी ना तब पता चलेगा कौन सी ज़्यादा अच्छी है। अभी तो मैंने इसे ओपन भी नहीं किया है, सिर्फ आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये देखिए है ना अच्छी। तो सेकंड बेडशीट ये है, तो मैं दो बेडशीट लेके आई हूँ, ये इस तरह से दिखती है ना, इस तरह से इसका कलर है, ठीक है। ये दो बेडशीट हैं, ये मैंने नई सड़क से ही ली थी। और अच्छा, आप बोलेंगे कि दीदी आपने प्राइस नहीं बताया, आप प्राइस बताया करो। ये मुझे 450 की पड़ी है एक बेडशीट, और अब इसे मैं यूज़ करूँगी, कॉटन की है, प्योर कॉटन है, अब पता चलेगा कि वो कैसी निकलने वाली है। क्योंकि मैं वैसे तो वो बोल रहे थे भैया कि इसका कलर वगैरह बिल्कुल फैट नहीं होगा, आप इसे आराम से मशीन में भी वॉश कर सकते हो। नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ, अच्छा गाइस आपको ये वाला फ्लावर कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है क्या? मैं ये किचन के लिए लेके आई हूँ, स्पेशली किचन के लिए, मुझे थोड़ी सी ग्रीनरी चाहिए थी। और ओरिजिनल भी कुछ लगाऊंगी, लेकिन आर्टिफिशियल भी मैं लेके आई हूँ, बहुत सुंदर लगा था। ये मुझे मिला है 150 का एक, और ये 300 के दो थे और 150 में एक लेके आई हूँ मैं, डबल नहीं लेके आई, वैसे जोड़ा मिल रहा था, लेकिन अच्छा लग रहा है ना, बहुत सुंदर लगा मुझे ये। आपको कैसा लगा बताएगा जरूर, किचन में तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये तो इसे फिलहाल तो मैंने बैकग्राउंड में रख दिया है, जिससे थोड़ा सा अच्छा लगे, मैं भूल ना जाऊँ इसलिए आपको सबसे पहले दिखा दिया।
और मैं लेके आई हूँ ये हैंकी अपने हस्बैंड के लिए। उनके सारे हैंकी जो हैं ख़त्म हो चुके थे, तो ये 200 में है। 200 में है या 150 में? 150 है, सॉरी। ये मेरे हस्बैंड जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, अपना कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे भी डिस्टर्ब होगा और उनको भी डिस्टर्ब होगा, इसलिए वो बाहर वाले रूम में चले गए हैं। और ये 150 के मिले हैं। 150 में कितने हैंकी हैं ये? तो ये 150 में 12 हैंकी है, और काफ़ी इनकी लेंथ जो है बहुत अच्छी है, काफ़ी बड़े हैं ये। उन्होंने एक खोल के दिखाया था हमें वहीं पे, और इसका जो फैब्रिक है बहुत अच्छा है, कॉटन है। ठीक है, ये हो गया। और नेक्स्ट लेके आई हूँ मैं जो हमारी सेंटर टेबल डली हुई है ना पोर्च में, उसके लिए कवर लेके आई हूँ, पीच कलर का। बहुत सुंदर कलर लग रहा है ना इसमें। ये वाइट कलर था, क्रीम कलर था, और एक ये पीच कलर था, तीन कलर थे, बट मुझे ये वाला कलर बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। ये देखिए रियल कलर इसका ये है तो। और ये नेट का है, ये देखिए इस तरह से है, ये नेट है ये। तो इसके नीचे आप ट्रांसपेरेंट पॉलीथिन बिछा सकते हो या मैगजीन बिछा सकते हो, मेरी तो बिछी हुई है जैसे, और उसके ऊपर मैं इसे डाल दूंगी। ये बहुत ही सुंदर लगा मुझे। और इसकी प्राइस है 200 रुपीज़। और मैंने एक दो जगह और पूछा था, तो वहाँ पे 300-350 मतलब अलग अलग प्राइस में था, बट मैंने 200 का लिया है इसे, तो ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। सो गाइस, नेक्स्ट लेके आई हूँ मैं ये वाले फ्लावर। ये जो गेंदे वाले फूल होते हैं ना, आपने देखा होगा आजकल आ रहे हैं आर्टिफिशियल, बिल्कुल ओरिजिनल जैसे लगते हैं, ये वही हैं। और ये डबल सेट में है, पिंक में है और येलो में है। तो ये हमें पूरा पैकेट मिला है 130 रुपीज़ का। इसमें 5 हैं ये, तो मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ। और ये हमने सदर से लिया था, चांदनी चौक में भी मिल रहे थे, बट हमने सदर पहुँच गए थे तो हमने फिर सदर से ही ले लिया था। तो इस तरह से ये देखिए लेंथ बाई लेंथ निकल रहे हैं, और ये 5 है, ये देखिए काफ़ी लेंथ है इसकी। तो ये बिल्कुल रखे हुए इस तरह से हो गए हैं, इन्हें ठीक करना पड़ेगा, जब लगाएंगे तभी ठीक करेंगे। तो बहुत सुंदर लग रहा है ना ये, तो ये लेके आए हैं हम। ये दिवाली पे डेकोरेशन करेंगे तब काम में आएगा। और लेके आई हूँ मैं, ये तो बहुत ही ज़रूरी है दिवाली के लिए, इसके बिना तो मतलब दिवाली अधूरी सी है। जैसे कि आप सबको पता है रंगोलियाँ बनाई जाती हैं दिवाली के टाइम पे, और इंदौर में जब हम लोग रहते थे ना, तो इंदौर में तो ये जो दशहरा गया है ना, दशहरे से स्टार्ट हो जाती है रंगोली बनाना, लेकिन मैं तो दिवाली वाले दिन ही बनाती हूँ। तो ये देखिए मैं कलर लेके आई हूँ, और ये मुझे मिले हैं 150 रुपीज़ के। कितने हैं? 10 कलर्स हैं ये। ये देखिए बहुत सुंदर सुंदर कलर है इसमें सारे, तो ये 150 का है। और एंड गाइस, हम लेके आए हैं ये वाली लाइट, और ये हम लोग मंदिर में लगाते हैं, ज़्यादा जगह नहीं लगाते, बस मंदिर में ही लगाएंगे, या फिर हो सकेगा मेरे पास एक और रखी हुई है तो पोर्च में भी लगा सकते हैं। तो ये लाइट लेके आए हैं, ये मिली है हमें 100 रुपीज़ की, और ये भी हम सदर से लेके आए हैं। ये सारी चीज़ें ना सदर में अच्छी मिल जाती हैं, बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाती है। और लेके आए हैं हम ये मोमबत्तियाँ दिवाली पे जलाने के लिए। दीपक मैं नहीं लेके आऊँगी, शायद ही ये दीपक लेके आऊँ, वैसे थोड़े बहुत तो लेके आऊँगी माता रानी के पूजन के लिए, और सभी जगह जलाने के लिए मैं मोमबत्ती लेके आई। और लेके आए हैं हम ये डोर में, ये बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं वहाँ पे। हमें ये मिले हैं 150 के, 6 डोर मेट हैं ये। आपको जब मैं ओपन करूँगी तब दिखाऊँगी। अच्छा, मैं दिखाती हूँ आपको सारे, तो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ ये किस तरह के हैं। ये देखिए, ये पहला है, ये इस तरह से है, और ये 150 रुपीज़ में मतलब 6 डोरमेट अच्छे मिल गए हैं मुझे, क्योंकि अब इस वाले घर में मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत भी है, हर जगह डालने होंगे मुझे। और 1 हो गया, ये 1 नहीं है सॉरी, इसके अंदर 2 हैं। ये देखिए, ये इसके अंदर 2 हैं, ठीक है, 2 हो गए। ये है एक पैटर्न, ये वाला भी है, अलग अलग तरह के हैं, इसमें भी 2 हैं, तो ये 4 हो गए। और एक ये है, तो ये भी 2 हैं, तो ये 6 हो गए। तो एक पैकेट में 2 हैं,
डोरमेट, ठीक है। तो ये हो गए। अब मैं लेके आई हूँ अपने लिए इयररिंग्स। जैसे कि आपने ब्लॉग में देखा था ना, मैं इयररिंग्स ले रही थी, मुझे ना पसंद तो दोनों ही आ रहे थे, लेकिन फिर मैंने एक ही लिए। ये देखिए बहुत सुंदर सी इयररिंग्स हैं। मैं क्या लूँगी अपने लिए पता नहीं है, लेकिन किसी पर भी मैं इन्हें पहन सकती हूँ। सूट पर, साड़ी पर बहुत ही सुंदर लगेंगे ना, ये बहुत सुंदर है। चुमकी आए मतलब ये सुंदर लगने वाली है। अभी मैंने पहन के नहीं देखा है, लेकिन इसे लगा के देख रही हूँ। और ये ओनली मुझे 50 रुपीज़ में मिली है। कोई भी आप इयररिंग्स लीजिए, सिर्फ 50 रुपीज़ में थे, बहुत ही सुंदर है। सदर में भी अच्छे मिल रहे थे इयररिंग्स, और सरोजनी में तो बहुत सुंदर इयररिंग्स मिलते हैं, लेकिन चांदनी चौक में भी मिल जाते हैं कभी कभी। तो ये इस तरह से पैकेट में आए थे। तो ये इयररिंग्स मेरे हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं करवा चौथ के लिए क्या लेके आई हूँ। सुहाग का सामान मुझे लेना था, तो देखिए सदर मार्केट में चांदनी चौक में इतनी भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब सुहाग का सामान नहीं ले पाती मैं। और वैसे भी टाइम ना इतना कम पड़ गया था हमारे लिए, हम लोग यहाँ से 12 बजे निकले थे और 1 बजे के समथिंग हम वहाँ पहुँचे होंगे, और 4-5 बजे तक हमने इतनी शॉपिंग की थी, और टाइम भी नहीं था, रात हो गई थी, 7 बजे तो हम लोग घर पर ही आए थे। तो फिर मैंने सोचा कि सुहाग का छोटा छोटा सा सामान होता है तो वो मैं अपने पास वाले मार्केट से ले लूँगी। जो मुझे बड़ी बड़ी शॉपिंग करनी थी, मेन शॉपिंग करनी थी, वो मैं करके आई हूँ। तो मैं साड़ी लेके आई हूँ अपनी मदर इन लॉ के लिए। ये देखिए ये साड़ी है उनके लिए, जो मैं हर साल करवा चौथ को उन्हें देती हूँ। तो ये कलर है, पीच कलर है, बहुत सुंदर कलर है। और ये इस तरह का ये पूरा पल्ला है, मैं ओपन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये ना फिर अच्छे से उसकी तह नहीं लगा पाऊँगी इसलिए। और ये मुझे मिली थी 1050 की। तो ये बहुत सुंदर साड़ी है, ये मैं मम्मी को देने के लिए लाई हूँ। सुहाग का सामान भी रखूँगी और बिछुए वगैरह भी रखूँगी, तो वो सब अभी मुझे लेने हैं, अभी लिए नहीं है, तो आपके साथ शेयर जरूर करूँगी। तो इसे मैं रख देती हूँ। तो ये साड़ी लेके आई हूँ, अपने लिए कुछ नहीं लेके आ पाई क्योंकि एक तो मेरे पास टाइम भी नहीं था, और ऊपर से इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा रश था, मतलब कोई भी शॉप वाले भैया अच्छे से नहीं दिखा रहे थे। बस ये साड़ी भी हमने ना खड़े खड़े पसंद की है, ये समझो बैठने के लिए भी जगह नहीं है किसी भी शॉप पे। तो फिर ऐसे मुझे पसंद करना नहीं आता अपने लिए, फिर मैंने सोचा कि चलो रहने दो, मैं अपने लिए देखूंगी बाद में, अगर टाइम मिलेगा तो यहीं पास वाले मार्केट से कुछ ले आऊँगी, और नहीं तो फिर मेरे पास जो रखा है मैं वही पहन लूँगी। तो इसलिए मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं जो घर के लिए लेने के लिए गई थी, मेन चीज़ है वो मेरे बेडरूम के लिए, उसके बिना बेडरूम जो है बिल्कुल अधूरा है, खाली खाली सा लग रहा है बिल्कुल। तो मैं पर्दे लेने के लिए गई थी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था पर्दे मेरे पास हैं, लेकिन वो जो है इनका जो लेंथ है ना, मतलब ये डोर जो बने हुए हैं ना, इनका लेंथ वो बहुत बड़ा है, और मेरे पास 7 फुट के पर्दे हैं, बट ये 9 फुट के पर्दे चाहिए थे मुझे। तो पर्दे जो है वो बहुत छोटे पड़ रहे थे, और फिर अच्छा नहीं लगता है बिना पर्दे के, बाहर से उजाला भी बहुत आता है, यहाँ पोर्च में भी कोई आके बैठ जाएगा तो अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मैंने सोचा कि यार पर्दे तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं पर्दे लेने के लिए गई थी स्पेशली, तो मैं ये कलर लेके आई हूँ पर्दे का। कैसा लगा आपको? आजकल ये वाला बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा चल रहा है ये कलर। ब्लू भी नहीं है, ग्रीन भी नहीं है, ये मतलब रामा कलर जैसे बोल सकते हो आप, वो कलर है ये, ब्लू एंड ग्रीन नहीं है। तो इसका इस तरह से कॉम्बिनेशन है, क्रीम कलर का है, और ये यहाँ से पूरा प्लेन है, ये नीचे लेंथ तक पूरा प्लेन है। तो ये सारे पर्दे जो हैं वो 9 फुट के हैं, मतलब डोर पे अच्छे से आ जाएंगे, और इसमें इस तरह के ये लॉक लगे हुए हैं। तो बहुत सुंदर पर्दे लगे मुझे, जब ये डल जाएंगे तब आपको बेडरूम दिखाऊंगी मैं, आपको पूरा होम टूर दूंगी, तभी आपको सब दिखाई देगा अच्छे से प्रॉपर। तो ये सारी शॉपिंग मैं करके लेके आई हूँ। तो ये पर्दे मैं लेके आई हूँ 5 पर्दे, मुझे 5 पर्दे की ज़रूरत थी, और बाकी के मेरे पास जो पुराने वाले पर्दे हैं वो रखे हुए हैं, तो कोशिश करूँगी उनको भी कहीं ना कहीं लगाने की। तो बस ये एक छोटी सी शॉपिंग थी मेरी, जो मैंने चांदनी चौक से और सदर से की है, और अभी मुझे थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए और जाना है, तो वो कब जाऊँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और क्या लेके आऊँगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और बस दिवाली की शॉपिंग भी चल रही है, साथ ही साथ में करवा चौथ भी है। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ये वाला फ्लावर जो है वो बहुत ही अच्छा लगा, मैं पछता रही हूँ कि 2 लेके क्यों नहीं आई, एक मुझे सेंटर टेबल के लिए भी लेके आना था ना। चलो कोई नहीं, अब जाऊँगी नेक्स्ट टाइम तब ले आऊँगी।
और बस वीडियो आपको कैसा लगा गाइस बताएगा जरूर, शॉपिंग मेरी कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए यार, इतनी मेहनत करती हूँ आपके लिए, और शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी सब्सक्राइब करने से क्या होता है। जी हाँ, हर किसी को नहीं पता है, ऐसा नहीं है कि हर किसी को हर कुछ बुक के बारे में पता होता है। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, जो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है लाल कलर का होता है, उसको आपको क्लिक करना है। बेल आइकॉन बन के आएगी, उसको भी आपको एक बार हिट करना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। उससे क्या होगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी, मतलब आप मेरे वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जो डेली मैं ब्लॉग डालती हूँ ना, वो आप मिस कर देंगे, वो आपको डेली नहीं मिलेंगे। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट, क्योंकि नाइट का टाइम हो रहा है। बाय।